हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बालों के लिए रबड़ बनाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये मैं अपने सूट के मैचिंग का रबड़ बनाऊंगी। आप अपने सूट ब्लाउज किसी गाउन वगैरह के मैचिंग का रबड़ घर पे आराम से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 2 पीस कट किए हैं, ये देखिए रबड़ के लिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर बराबर है दोनों पीस। यहाँ से इस पीस की चौड़ाई मैं रखूंगी 3 इंच और जो लंबाई है वो 18 इंच है। इसी प्रकार से दूसरे पीस की भी यही लंबाई चौड़ाई है और इसको इस प्रकार से फोल्ड करूंगी। और जो इसका ये बीच का हिस्सा है यहाँ से मैं 1 इंच खुला रखूंगी इसको सीधा करने के लिए सिलाई लगाने के बाद। और जो यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी और जो इसके इस प्रकार से फोल्ड करते हुए जो इसके ये कोने हैं इस प्रकार से इसके जो ये खुला हुआ हिस्सा है इस साइड में 1 इंच पर निशान लगाऊंगी इस प्रकार से और इसको कट कर दूंगी और बाद में यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। और जो दूसरा हिस्सा है उसको मैं सीधा रखूंगी, कट नहीं करूंगी। ये देखिए इस प्रकार से मैं कट कर लूंगी। और एक हिस्सा मैंने कट किया है वो ये है जिसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और चौड़ाई भी 6 इंच रखी है। और इसके लिए मैंने ये रबड़ लिया है। आप जो वो दूसरा रबड़ आता है गोल वाला वो भी ले सकते हैं। और इसकी रबड़ की लंबाई मैंने रखी है 7 इंच। आपके बाल कम हो तो आप इसे 6 इंच रख सकते हैं, मैंने 7 इंच रखी है। और जो ये वाला कपड़ा है इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और बीच से इसको भी 1 इंच का खुला रखेंगे सीधा करने के लिए। और बाकी हिस्सों पे यहाँ से यहाँ तक और ये खुला रखूंगी और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है तीनों हिस्सों पे और अब मैं इसको सीधा करूंगी और अच्छी तरह से कोने निकाल लूंगी। कोनों को अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। और इसी प्रकार से जो ये वाले हिस्से हैं इनको सीधा करेंगे और कोनों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सभी के कोने अच्छी तरह से निकाल लिए हैं और जो ये सीधा हिस्सा था इसको मैंने दोनों साइड से खुला रखा है, ये देखिए रबर डालने के लिए। और जो ये तिरछा हिस्सा था इस पे मैंने सिलाई लगाई है दोनों साइड। अब जो इसका ये खुला हुआ हिस्सा है यहाँ से हम ये छोटी छोटी कतरन लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रहे हम ज्यादा नहीं भरेंगे इसको, इसमें थोड़ा बहुत ही डालेंगे इतना कि ये थोड़ा सा फूला फूला सा दिखे। ज्यादा नहीं भरनी है आपको, इस प्रकार से अंदर की साइड डाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कपड़ा डाल लिया और इसका मुंह भी बंद कर दिया है। अब इसके अंदर जो ये खुला हुआ है इसके अंदर मैं रबड़ डालूंगी। रबड़ मैंने पहले से कट कर लिया था, आपको बता दिया था। इस प्रकार से इसको अंदर की तरफ डाल लेंगे। ये देखिए मैंने रबड़ अंदर की तरफ डाल लिया है। अब यहाँ पे रबड़ पे पहले सिलाई लगाएंगे। अब इस कपड़े को इस प्रकार से अंदर की साइड डालेंगे और जो ये दूसरे वाला कपड़ा है इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल सफाई से, ये बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए इस प्रकार से। और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से अंदर डालते हुए सिलाई लगा दी मैंने। अब जो ये वाला है ऊपर वाला हिस्सा इसको लूंगी और सुई धागा लूंगी और इसके बीच में निशान लगा लूंगी बीचों बीच इस प्रकार से और सुई धागे की मदद से। ये देखिए
इस प्रकार से इसको बांधूंगी। ये देखिए इस प्रकार से बीचों बीच बांधेंगे इसको अच्छे से। और जो ये रबड़ वाला जॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए। और नीचे की साइड इसके साइड साथ जॉइंट करते हुए सिलाई पक्की कर दूंगी सुई धागे से ही। इसके साथ अटैच कर दूंगी और धागे को कट कर दूंगी। ये देखिए इस प्रकार से। अब जो ये वाला हिस्सा है जो मैंने इसके कोने तिरछे रखे थे, इसको इस प्रकार से जो ये मैंने सिलाई लगाई है इसके ऊपर रखूंगी और बिल्कुल बराबर बराबर लेंगे। और यहाँ से इस प्रकार से इसको अंदर डालते हुए यहाँ से बांधेंगे। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल फिनिशिंग से बांधेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको बांध दिया है और रबड़ बनके तैयार हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।